हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं एटिकेट अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी कक्षा 6 जो आपको मिली हुई भरने के लिए इस साल में 2024-25 में। तो इसके हम क्वेश्चनों को लगाने वाले हैं क्योंकि इसके परीक्षा में क्वेश्चनों को पूछा जाता है। तो इससे पहले हमने यहाँ पर 10 वीडियो डाल दिए हैं, यानी 1 से लेकर 10 तक के पार्टों का हल डाल दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा किस प्रकार से उसको देखना है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर पार्ट का नाम है 11, जिसको हम पढ़ेंगे आ मून बीम कम्स, यानी जो आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्र दिया गया है, एक लड़की है वो आप देख सकते हैं खिड़की से क्या आ रही है, यहाँ पर जो मून की बीमें हैं वो आ रही हैं। मून बीम से यानी होता है मून की किरणें। तो इसके क्वेश्चनों को हम लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे जो आपके यहाँ पर दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर लिखना है। ये सही विकल्प इसलिए आपको याद करना है अच्छे से क्योंकि ये आपके परीक्षाओं में आएंगे नहीं से। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट कम्स डीप इन द नाइट, क्या आता है रात में, लाइट बीम, सन बीम, मून बीम या कैंडल बीम। तो इसका सही हो जाएगा आपका मून बीम। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका वेयर डज द मून बीम क्लाइंब, कहाँ पर चढ़ती हैं, ऑन द विंडो सिल, ऑन द ट्री, ऑन द हिल या ऑन द रूफ। तो इस कविता के हिसाब से वो कहाँ चढ़ती हैं, ऑन द विंडो सिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसमें लिखा है इफ़ द मून बीम कम्स एंड आस्क यू टू गो विथ इन इट विच प्लेस वुड यू लाइक चूज़, आप यदि जो किरणें हैं वो आपसे पूछें आप कहाँ जाना चाहती हैं तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे। ऑप्शन है मार्स, अर्थ, मून या फिर सन। तो इसका सही हो जाएगा मार्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है चौथा, तो इसमें क्या लिखा है चौथे क्वेश्चन में, पिक द ऑड वन आउट यानी अलग छांटना है। तो आइज़ यानी आँखें, फीट यानी पैर, हैंड यानी हाथ और सैंड यानी रेत। तो आप देख सकते हैं ये तीनों शरीर के अंगों के नाम हैं और ये है आपका अलग। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अलग छांटना था। तो रेत अलग होगी क्योंकि वो शरीर के पार्ट्स हैं और ये रेत अलग चीज़ होती है। पाँचवा द राइमिंग वर्ड ऑफ बीम्स, बीम्स का आपको राइमिंग पूछा है तो आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ड्रीम्स, ऑप्शन नंबर सी। अब हम यहाँ पर रिक्त स्थानों को लगा लेते हैं, ये हमारे हो चुके हैं सही विकल्प। अब रिक्त स्थान दिए गए हैं आपको, इनको भरना है। तो देखिए क्या लिखा है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है जो कि आपको बॉक्स में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर दिया है छठवां, द मून बीम सीज इज हैज क्लोज्ड योर आइज। तो इसमें आपको भरना है, क्या भरना है, तो यहाँ पर दिया गया है आंसर, आप भरेंगे इसमें टिप टू। इसके बाद द मून बीम्स कम्स ऑन जेंटल फील्ड, ठीक है। तो इसमें आपको पहले में क्या भरना है, पहले में आप यहाँ पर देखते चलिए अच्छे से, इनको पढ़ लेते हैं। तो देखिए इसमें भरना है आपको ओपनेड का क्या भरेंगे, क्लोज्ड, और यहाँ पर आप प्रेसियस येलो मेटल, तो इसमें भरना है आपको क्या, गोल्ड, दसवें वाले में। तो आइए यहाँ पर देखते हैं इनके आंसर। तो आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं, छठवें में आपको भरना है स्लीप, सातवें भरना है टिप टू, आठवें भरना है लैंड, नौवें भरना है क्लोज्ड, टेंथ में भरना है आपको गोल्ड। तो ये आपके रिक्त स्थानों के आंसर हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 11, उसको देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो ये दिया है क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन डज द मून बीम क्लाइंब द विंडो, यानी जो मून की बीमें हैं वो कब चढ़ती हैं विंडो पर। तो द मून बीम कम्स द विंडो, तो कब चढ़ती हैं यहाँ पर, इसका आंसर ये दिया गया है, द मून बीम कम्स द विंडो सिल व्हेन नाइट इज डीप एंड ऑल इज स्टिल। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, ये दिया है 12, तो व्हाट डज द मून बीम सी, तो यहाँ पर इसको देखेंगे ये हो जाएगा आंसर, इट सीज इफ स्लीप हैज़ क्लोज्ड योर आइज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, तो 13 में क्या दिया है, राइट द अपोजिट वर्ड फॉलोइंग वर्ड्स, तो बैकअप का और सेलो का आपको विलोम शब्द बताने। तो इसका हो जाएगा स्लीप और इसका हो जाएगा डीप। नेक्स्ट क्वेश्चन राइमिंग वर्ड बताने हैं, तो सेंड का हो जाएगा लैंड और स्टिल का हो जाएगा सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15, यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। तो ये दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट हैपेंस इन द नाइट व्हेन ऑल इज स्टिल, तो जब सब कुछ खामोश होता है रात में तो क्या होता है। तो द मून बीम्स कम्स द विंडो
सिल्वेन नाइट इज डीप एंड ऑल इज स्टिल। तो क्या है, जो मून की बीम्स हैं वो आती हैं, मून की किरणें। अगला है 16, व्हाई डज द मून बीम कम ऑन जेंटल फीट, क्यों आती हैं, तो टू टच योर आइज विथ गोल्डन बीम्स एंड टेक यू टू द लैंड ऑफ ड्रीम्स। तो ये आंसर है इसका। नेक्स्ट है आपका 17, तो ये 17 क्या दिया क्वेश्चन देखिए, टू विच लैंड डज द मून बीम टेक यू, तो आंसर हो जाएगा द मून बीम टेक्स एज टू द लैंड ऑफ ड्रीम्स। तो ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो अब इसमें क्या करना था, इन शब्दों को रीअरेंज करके आंसर बनाने थे। तो ये आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा जेंटल और ये हो जाएगा टच। तो कंप्लीट कर लीजिए इनको। इसके बाद हम 19वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 19वें में क्या दिए गए, तो 19वें में आपको दिया गया यहाँ पर राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट एनी नेचुरल ऑब्जेक्ट दैट यू सी इन द स्काई। जैसे कि आपको किसी के ऊपर वाक्य लिखने हैं, मून, सन या स्टार, तो इनके बारे में आपको आंसर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया, तो हम लिखेंगे मून के बारे में। तो द मून लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, द मून रिसॉल्व अराउंड द अर्थ एंड इज द अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट। अगला है आपका, इट रिफ्लेक्ट्स लाइट फ्रॉम स्टेरी स्की एंड एड्स आर सेंस ऑफ पीस टू नाइटली एनवायरमेंटल एनवायरमेंट। इसके बाद द साइज ऑफ मून इज ऑलवेज चेंजिंग, द मून बिकम्स राउंड ऑन पूर्णिमा। ठीक है, यहाँ पर पूरा किस दिन दिखाई देता है, पूर्णिमा के दिन दिखाई देता है। 20 देखेंगे, तो ये लिया है हमारा 20 क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है, इसमें ये अनसीन पैसेज दी गई, इससे आपको आंसरों को छांटना है। तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा या फिर हम आंसर दे रहे हैं उन्हीं को आपको नोट डाउन कर लेना है। तो ये दिया गया है, व्हाट डज द पोएट वांट टू सी, क्या देखना चाहता है, तो यहाँ पर मून। व्हाट डज द पोएट वांट टू सी यानी किसको देखना चाहता है पोएट, किसको देखना चाहता है, तो यहाँ पर हो जाएगा मून को। इसके बाद अगला है, डज द पोएट टू गो अलोंग और विथ हर फ्रेंड या हिज फ्रेंड, तो इसका हो जाएगा विथ हर या हिज फ्रेंड। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, तो ये है अगला, वेयर आर दे प्लानिंग टू विजिट, कहाँ घूमने की इच्छा है उसकी, तो दे आर प्लानिंग टू विजिट मार्स, मंगल ग्रह पर जाने की। हाउ डू द स्टार्स शाइन इन द स्काई, किस प्रकार से चमकते हैं, तो इसका हो जाएगा द स्टार शाइन्स लाइक अ डायमंड इन द स्काई। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसमें आपको बताना पेयर, तो इसमें भर लीजिएगा स्टार्स एंड मार्स। तो ये हमारा कंप्लीट होता है पार्ट। इसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं हम अगले पार्ट के साथ। यदि हमें सभी एडगेट किताबों के उत्तर देखने हैं तो हम किस प्रकार से देखेंगे, तो आपको क्या करना है, जिस प्रकार से ये वीडियो चल रही है हमारे चैनल पर, तो इस प्रकार से इसका नाम है जो तैयार जी, तो इस पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि नया यहाँ पर पेज आ जाएगा। इस पेज में आपको क्या करना है, यहाँ पर आप पेज पर देख सकते हैं, यहाँ इसको थोड़ा ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर प्लेलिस्ट, इस प्लेलिस्ट पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इस प्लेलिस्ट पर दबाएंगे तो दूसरा पेज यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये पेज आ चुका है। इस पेज में आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं, जिस भी सब्जेक्ट का आपको हल देखना है तो आप उस पर दबाएंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर गणित पर दबा देते हैं, तो आपने गणित पर दबाया तो यहाँ पर देख सकते हैं गणित के सभी वीडियो यहाँ पर आ चुके हैं। जिसको भी आप देखना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे और देख लेंगे।